बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू स्टैक की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उर्दू स्टैक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर रोज़ हैरान कन और मालूमती वीडियो हासिल कर सकें। शुक्रिया। चलिए दोस्तों, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पर्सनल डाटा को हमेशा के लिए हार्ड डिस्क या मोबाइल से रिमूव कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव खोल लें जहाँ पर आपने डाटा को रिमूव करना है। मैं अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव खोल ली है। सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप पिक्चर या वीडियो इस पर राइट क्लिक कीजिए जो आपने रिमूव करनी है। दोस्तों आप बेहतर जानते हैं कि आजकल के दौर में डाटा कितना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मोबाइल शॉप वाले अक्सर इसको रिकवर कर लेते हैं। हम अपना कंप्यूटर या रिपेयर करवाने के लिए देते हैं तो अक्सर शॉप्स वाले उसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए डाटे को हमारे इम्पोर्टेंट को रिकवर कर लेते हैं, और अक्सर मोबाइल वाले भी ऐसे ही करते हैं, हमारे डाटे को रिकवर कर लेते हैं। तो उसमें हमारी पर्सनल चीज़ें होती हैं, फैमिली पिक्स होती हैं और बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों इसको हमेशा के लिए कैसे रिमूव करें ताकि किसी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी इसको रिकवर ना कर सकें। तो सबसे पहला तरीका ये है कि इस पर राइट क्लिक करें पिक्चर पर, और इसको ओपन विथ के साथ आपने खोलना है। इसको नोट पैड में खोलें सबसे पहले ओपन विथ के साथ। इसके अंदर जो जितना कुछ लिखा हुआ है इसको कंट्रोल प्लस ए करके आल सेलेक्ट करें, और इसको डिलीट के बटन से डिलीट कर दें, और फिर इसको सेव कीजिए, इसको क्लोज कर दें। देखें दोस्तों, इसको रिफ्रेश करें। देखें ये पिक्चर पहले फ्लावर की पिक्चर थी, इसको ये पिक्चर रिमूव हो चुकी है। इस ये अगर नेक्स्ट कोई इसको रिकवर करेगा तो ये इसमें पिक्चर शो नहीं होगी, और अगर रिकवर करने की कोशिश भी करेगा तो ये पिक्चर रिकवर नहीं होगी, वो इसी तरह रिकवर होगी, वो हमारी असल पिक्चर शो नहीं होगी। तो दोस्तों इसके साथ इसे ऐसे ही चलें, दूसरा तरीका शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है, एक सॉफ्टवेयर है इरेज़र के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। गूगल से मिल जाएगा आपको इरेज़र सॉफ्टवेयर, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप ड्राइव में जाएं, उसी ड्राइव में चले जाते हैं जो जहाँ पर भी आपने डाटा रिमूव करना है। इस पर राइट क्लिक करें और इरेज लिखा हुआ है, इस पर इरेज पे क्लिक कर देना है, इरेज यस करें। कि दोस्तों ये थोड़ी देर में रिमूव हो जाएगा, और इसको यस करें। ये देखें रिमूव हो गया है, और ये कंप्यूटर से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसको कोई भी सॉफ्टवेयर, डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के ज़रिए भी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये दो तरीके हो गए हैं, तो मैं आपको एक लास्ट तरीका बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि सी क्लीनर के सॉफ्टवेयर के नाम से हर दोस्त वाकफ होगा, तो ये आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिए, इजीली मिल जाता है गूगल से। एक वेबसाइट है filehippo.com, उससे तमाम सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं, आप उससे ईजिली सॉफ्टवेयर को हासिल कर सकते हैं। इसको ओपन कीजिए, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मैंने किया हुआ है ऑलरेडी पहले। इसके ऑप्शंस में जाइए, इसमें टूल्स में जाइए आप, इसमें ड्राइव वाइपर के नाम से एक ऑप्शन है टूल्स के अंदर। आपने जो जिस ड्राइव का डाटा रिमूव करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। देखिए मैं यहाँ पर डी ड्राइव को ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें दो ऑप्शंस हैं, कि आपने फ्री स्पेस जो हो आपने पहले ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं आपने उसको रिमूव करना है, या आपने तमाम ड्राइव को डाटे को रिमूव करना है। मैं इसमें तमाम डाटे को ही रिमूव कर देता हूँ, फ्री स्पेस को भी कर सकते हैं और तमाम डाटे को भी। इसमें सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने वाइप पे क्लिक कर देना है, ओके करना है। ये कह रहे हैं यहाँ पर इरेज का वर्ड लिखें, अगर आपने रिमूव करना है तो इरेज लिख रहा हूँ मैं, ओके कर देता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा टाइम लेगा और ये डाटा रिमूव हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो दोस्तों ये देखें ये फॉर्मेट हो चुकी है, ये कुछ टाइम लेगी, मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो आप इसको ओके कर दीजिए, ये आपकी ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। चलो देखते हैं ड्राइव में, ये देखिए दोस्तों ये ड्राइव बिल्कुल रिमूव हो चुकी है, आप इससे किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसका डाटा रिकवर नहीं हो सकता। आप ट्राई करके देखिए, अगर
किसी सॉफ्टवेयर से डाटा रिकवर हो तो काइंडली मुझे भी बताइएगा। इसी तरह आप अपने मोबाइल का डाटा भी इसी तरह रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और इससे भी अहम और हैरान कन मालूमती वीडियोज़ में। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हाफिज़।